तो गाइज आ गए यहाँ पे एक और कंपैरिजन लेके। यहाँ पे अमेजिंग कंपैरिजन है, डीफी के दो मैं बर्ड्स लेने वाला हूँ यहाँ पे, डीफी ग्रेविटी प्रो और डीफी ग्रेविटी जेन। डीफी ग्रेविटी जेन तो पहले लॉन्च हुए थे और ये मेरे फ्रेंड के पास है, तो मैंने इसकी साउंड क्वालिटी सुनी है तो उसके बारे में बता सकता हूँ। और डीफी ग्रेविटी प्रो थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन के साथ आते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास मिलता है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, और टेलीग्राम पर जो हमारे चैनल है टेकपोक, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पर हम बहुत सारी डील्स कूपन कोड शेयर करते रहते हैं आप सभी के साथ। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में। तो लुक्स दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं लुक आपको, और प्लास्टिक की बिल्ड मिलता है। ग्लॉसी फिनिशिंग ज़्यादा आपको बेटर लगने वाली है प्रो की एज़ कम्पेयर टू जेन। जेन थोड़े से छोटे अपीयरेंस के साथ आते हैं, मतलब थोड़े से कह सकते हो कॉम्पैक्टनेस के साथ आते हैं। केस भी इसका कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रो। आगे बात आती है ब्लूटूथ रेंज की, तो यहाँ पे जेन में 10 मीटर तक की, इसमें भी 10 मीटर तक की रेंज मिलती है, बट जेन से जो ब्लूटूथ वर्जन है जिसकी रेंज बेटर हो जाती है वो है आपका प्रो, राइट। और जेन में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 यूज़ किया गया है। अप टू 8 आवर्स का यहाँ, मतलब 8 मीटर तक का रेंज मिल जाता है प्रो में, और जेन में 7 मीटर तक का। आगे बात आती है यहाँ पे आईपी रेटिंग की, तो IPX4 की आपको रेटिंग मिलती है, चाहे हम प्रो की बात करें चाहे हम जेन की बात करें। तो स्मॉल स्प्लैशेस स्वेट में चल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा आपको। ड्राइवर साइज़ की बात करते हैं, यहाँ पे 13 mm के ड्राइवर्स यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ आपको मिलता है यहाँ पे जेन में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जेन बहुत पीछे हैं, यहाँ पे लाउडनेस में भी पीछे हैं, और बास भी आपको लो मिलता है। प्रो में आपको बास अच्छा खासा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू जेन, और स्टीरियो इफेक्ट तो दोनों में मिल जाता है। मैं आपको पहले बता दूँ यहाँ पे जो इनकी तरफ से होते हैं, इसमें बेस बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जाता है जैसा इंडियन यूजर्स को पसंद होता है खासकर। तो बेस वाले आपको अगर कोई एयरबड चाहिए तो आप इस रेंज में चूज़ कर सकते हो। आगे बात आती है माइक रेटिंग की, तो प्रो में आपको क्वाड माइक मिलता है, जेन में भी क्वाड माइक मिल जाता है, यहाँ पे स्टीरियो इफेक्ट देखने को मिलता है, और सिंगल बर्ड से भी आप कॉल्स को ले सकते हो, अटेंड कर सकते हो। कॉल क्वालिटी आपको गुड मिलेगी दोनों में ही, यहाँ पे अबव एवरेज कह सकते हो आप, दोनों में मिल जाएगी। और कंट्रोल्स की बात करें, टच कंट्रोल मिल जाते हैं, गूगल सीरी को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो वन टच से, और नेक्स्ट प्रीवियस प्ले पॉज ये सब कर सकते हो बटन से, टच से मतलब। बैटरी कैपेसिटी की बात में करूँ तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो बताया नहीं है, बट यहाँ पे रन टाइम आपको बताया गया है। यहाँ पे चार्जिंग टाइम बताते हैं सबसे पहले, प्रो आपका 2 घंटे में फुल चार्ज हो आते हैं, और ब्रिस्क चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, 10 मिनट 3 आवर का प्लेबैक टाइम दे सकता है। और यहाँ पे जेन आपके 1.5 घंटे में फुल चार्ज होते हैं, फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, 10 मिनट का चार्ज 2.5 आवर का प्लेबैक टाइम दे सकता है। यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं, मेन साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे प्रो ज़्यादा बेस आपको बेटर देते हैं एज़ कम्पेयर टू जेन में, आपको बेस कम मिलता है। यहाँ पे वोकल्स तो दोनों में क्लियर हैं, ग्रेट मिलती हैं आपको, बट यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी वो थोड़ी सी कम मिलेगी जेन में एज़ कम्पेयर टू प्रो। लाउडनेस आपको कम मिलेगी जेन में एज़ कम्पेयर टू प्रो, और लोज आपको दोनों में गुड मिलते हैं, मिड्स आपको गुड मिल जाते हैं, और हाईज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होते हैं प्रो में, मतलब, और जेन में भी आपका थोड़ा सा कह सकते हो आप डिस्टॉर्ट होते हैं, क्योंकि इन सब जो ईयरबड्स होते हैं इसमें 80% से अगर आप जैसे आप वॉल्यूम अप करते हो तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होने लगते हैं, बट 80% पे सुनता कौन है, मैं मैक्सिमम 60-65% वॉल्यूम पे सुनता हूँ, तो आप भी अगर इतने पे सुनते हो तो आपको कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। प्ले टाइम की अगर मैं बात करूँ, जेन में आपको 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है प्रो से, और 4.5 घंटे का जेन में आपको कॉल टाइम मिलता है, प्रो में आपको 3 आवर का मिलता है, और टोटल प्लेबैक टाइम भी जेन में ज़्यादा है 30 आवर्स का एज़ कम्पेयर टू प्रो में 24 आवर्स का मिलता है। प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पे लॉन्च सून आने वाले हैं बहुत जल्दी प्रो आपके 1400 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, बट जेन की मैं बात करूँ ऑलरेडी अवेलेबल है 1100 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मेरे ख्याल से जेन ही है एज़ कम्पेयर टू प्रो। अगर हम ओवरऑल जो बैटरी बैकअप की बात मैं करूँ, साउंड क्वालिटी तो यहाँ पे डाउन है थोड़ी सी, और बस बैटरी बैकअप के मामले में स्लाइटली, और कॉम्पैक्टनेस के मामले में जेन आ गए हैं। बट प्रो में क्या है कि थोड़ा सा आपको जो साउंड है डिस्टॉर्ट होता है हाई वॉल्यूम पे, और प्रो में जो ड्राइवर साइज है वो ऑलमोस्ट डबल दिया गया है जेन से। तो अगर आपको लाउडनेस बेटर चाहिए, थोड़ा सा बैटरी कंपार्टमेंट में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो प्रो आपके लिए बने हुए हैं। तो ये था मेरा डीप डाउन कंपैरिजन दोनों ही बर्ड्स के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों बर्ड्स के रिलेटेड कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।